प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल है आपकी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज की वीडियो देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ आपकी बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो। सो मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मेरा हेयर स्ट्रेटनिंग रूटीन, जो कि मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ और उसके बाद मेरा पूरा वीक अच्छा चला जाता है। सो अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए इंटरेस्टेड है, प्लीज देखते रहिए। पर देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर ले। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कमेंट बार में जरूर बताएं कि आप मुझसे बालों से रिलेटेड और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। सो मेरे पास कुछ ऐसा है, हम इसी से शुरू करेंगे। बहुत सारे दोस्त कहने वाले हैं कि मेरे बाल कर्ली नहीं है। आई नो, ये कर्ली इसको नहीं कहेंगे, कर्ली वेवी कहेंगे, फ्रिजी कहेंगे, जो भी कहेंगे इसे ही कहेंगे। और सबसे पहली बात है, मैं ये ब्रश लेने वाली हूँ जो मैंने वॉलमार्ट से लिया है। ये बहुत ही अच्छा ब्रश है मुझे लगता है। क्यों लगता है अच्छा? क्योंकि ये बहुत ईजीली कॉम हो जाते हैं मेरे बाल, पेन नहीं होती है। यूजली हमारे जो बाल होते हैं कर्ली लोगों के, फ्रिजी लोगों के, वो पेन देते हैं हम जब हम कॉम करते हैं। सो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी ऐसी कुछ कॉम ट्राई कर सकते हैं। सो सेक्शन करके मैं अपने बालों को कॉम कर लूँगी सबसे पहले। जब मैं अपने बालों को धोती हूँ उस समय भी मैं अपने बालों को कॉम करती हूँ, ताकि जब मेरे बाल ड्राई हों तो उन्हें कॉम करना आसान हो जाए। और दूसरी बात, बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि तुमने ऐसे बाल कैसे किए, मैंने ऐसे बाल कैसे किए। मैंने अपने बालों को धोया और एयर ड्राई होने दिया। यूजली मैं अपने बालों को एयर ड्राई होने देती हूँ, पर अगर मुझे बहुत जल्दी हो तो मैं पहले ब्लो ड्राई कर लेती हूँ। पर एयर ड्राई होने से क्या है कि आप थोड़ा सा हीट से अपने बालों को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। एयर ड्राई करें, एयर ड्राई करना अच्छा है और उससे आपका काम थोड़ा और आसान हो जाता है। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अब हम लोग अपने बालों को सबसे पहले करेंगे कॉम। सी कितना आसान है कॉम करना, वो इसलिए क्योंकि मैंने बालों को धोने से पहले भी कॉम कर लिया था। वो मैं हमेशा करती हूँ, इससे बहुत आसान हो जाता है काम। ऐसे हम सारे बालों को कॉम कर लेंगे। और ये कॉम बालों में करना मुझे बहुत ही सूदिंग लगता है, क्योंकि इसके ये जो गोल गोल है ना, बहुत अच्छी मसाज कर देते हैं आपके बालों को। इट्स बहुत रिलैक्स हो जाता है। सच अ फन। ओके, सो डन करने के बाद बालों की हालत है कुछ ऐसी। कितनी वॉल्यूम है बालों में या बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनके बालों में वॉल्यूम हो, हमारे नेचुरल है। ऐसे वॉल्यूम होने से, आई नो आई एम लुकिंग फनी पर इट्स ओके। जब आपके बालों में इतनी वॉल्यूम होती है तो आप जब भी कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं तो हमारे बालों पे बहुत इजीली स्टिक कर जाता है। बहुत सारे दोस्त कहते हैं जब तुम वेव करते हो बालों पे वो इतने दिन तक कैसे रह जाता है। वो मे बी मेरे बालों का टेक्स्चर ऐसा है कि मेरे बालों में चीज़ें बहुत लंबा समय तक रहती है। और अदर चीज़ें बहुत सारे मेरे दोस्त कहने वाले हैं कि तुम अपने बालों का परमानेंट ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा लेते। मैंने 5-6 ईयर्स पहले एक बार करवाया था, पर मुझे इतना मज़ा नहीं आया करवा के, क्योंकि मुझे अपने नेचुरल बाल अच्छे लगते हैं। कितना आसान है बालों को धो और बिल्कुल डिफरेंट टेक्स्चर है बालों का। और जब आपको लगे कि आपको ये नहीं अच्छे लग रहे तो आप स्ट्रेट कर लो, सो ईजी। और ये जो मेरा बाल स्टाइल करने का प्रोसेस है, 15-20 मिनट लगते हैं मुश्किल से। और पूरा वीक मैं ऐसे रह देती हूँ, लाइक 4-5 डेज रह देती हूँ। वीकेंड पे वॉश करके दोबारा स्टाइल कर लेती हूँ, या कई बार मैं अपने बालों को कर्ली छोड़ देती हूँ। सो अब मेरे बालों की कंडीशन कुछ ऐसी है। मैं यूज़ करने वाली हूँ ट्रेज़मे का हीट प्रोटेक्शन। केराटिन स्मूथ है ये 5 बेनिफिट के साथ, एंटी फ्रिज है, परफेक्टली डिटैंगल, सिल्की शाइन और हीट प्रोडक्शन है मैन। और इससे क्या होता है कि आपके बाल थोड़े शाइनी रहते हैं और हीट से प्रोडक्ट हो जाते हैं। और इसके बिना कोई खास इसका मोटिव है नहीं। अब ये ड्राई बालों पे मैं लगा लूँगी। जब भी आपको अपने बालों पे हीट यूज़ करनी हो तो कुछ ऐसा हीट प्रोडक्शन यूज़ करें। मैंने ऐसे ले लिया ये, क्योंकि मुझे लगा ये सेल में होगा, पर या अच्छा है ये। कई हीट प्रोडक्शन जब आप यूज़ करते हैं तो वो आपके बालों को क्या कर देते हैं, पता चलता है कि आपने बालों पे कोई प्रोडक्ट यूज़ किया है। इससे पता नहीं चलता है कि कुछ यूज़ किया है। ये प्यारू सा गुम हो जाएगा आपके बालों में कहीं। बालों में अच्छा स्प्रे कर ले, लाइक बहुत ज़्यादा भी नहीं, पर या इतना कि थोड़ा थोड़ा बाल कोट हो जाए। पर ये आपको पूरा ड्रेंच ही वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, पर हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको लगा लेंगे। ये आप स्किप भी कर सकते हैं स्टेप अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो। पर मेरे हिसाब से आपको कोई ना कोई हीट प्रोडक्शन ज़रूर से यूज़ करनी चाहिए, ताकि आपके बालों को डैमेज नहीं हो। क्योंकि मैं अपने बालों को सिर्फ वीक में एक ही बार स्टाइल करती हूँ, तो
इट्स ओके ओके. अगली चीज़ है, मैं अपने बालों को करूँगी ड्राई, मतलब कि स्ट्रेट करूँगी ड्रायर के साथ. और ये ब्रश यूज़ करने वाली हूँ इस काम के लिए मैं. ये ड्रायर है रेवलॉन से, मैंने अमेजोन से ऐसे ही लिया जो भी मुझे मिल गया. और ये काफ़ी बड़ा है, अगर आप इस काम के लिए छोटा यूज़ करेंगे तो कन्वीनियंट हो जाता है. और अब हमें चाहिए क्लिप ताकि हम अपने बालों को सेक्शन कर लें और धीरे धीरे अपने बालों को ब्लो ड्राई स्ट्रेट करते जाएँ. सो मैं बालों के थोड़े थोड़े सेक्शन लूँगी और इनको ब्लो ड्राई करूँगी. इससे क्या होगा, ये स्टेप करना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल सिल्की स्मूथ एंड शाइनी लगे. काफ़ी स्ट्रेट इसी से हो जाएंगे और जब आप स्ट्रेटनर यूज़ करोगे उस पर प्रेशर कम लगेगा और हीट कम यूज़ करेंगे और बालों में ज़्यादा शाइन आएगी. ऑलरेडी ड्राई होते हैं तो आप ये स्टेप करते हैं तो काफ़ी आसान है, लाइक वन टाइम में हो गया, कोई ज़्यादा आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. पर अगर आपके बाल गीले हैं और आप इसी से ड्राई करते हैं तो काफ़ी समय लगेगा. सो कोशिश करें कि एयर ड्राई होने दो उसके बाद. या देखें स्ट्रेट हो गए एक ही बार में. अगर आपके बाल ऑलरेडी स्मूथ हैं, बस आपको थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, तो आपको ये स्टेप स्किप कर सकते हैं. अगर आपके बाल नेचुरली ऐसे रहते हैं तो सीधा ही स्ट्रेटनर कर लें. हमारे बालों को पूरा कर लिया है अच्छी तरह ड्राई स्ट्रेट. अब मैं एक बार फिर से कॉम कर लूंगी. हमने हमारे सारे बाल कवर कर लिए हैं. सो वी आर डन विद दिस स्टेप. नाउ मेरे बालों की हालत काफी इनमें वॉल्यूम सी है. स्ट्रेटनर के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं यह रिमिंगटन का स्ट्रेटनर जो मैंने वॉलमार्ट से लिया है. मैंने पहले भी बहुत बार आपके साथ शेयर किया है. स्ट्रेटनर कोई भी यूज़ करें, जब आप ये तरीके से अपने बालों को स्टाइल करेंगे, कोई भी स्ट्रेटनर जो काम करता हो बालों को स्ट्रेट करने का, सो वो काम करेगा. अब हम बालों के बहुत बड़े नहीं, ठीक ठाक किस्म के कुछ इस तरह के हिस्से लेंगे और इनको स्ट्रेट करते जाएंगे. और इनको सबसे पहले अपने बालों को ये टॉप पार्ट में दो बार करें. सो बालों को स्ट्रेट करें, जब बाल एंड पे आ जाए उसको मैं अंदर की तरफ मोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि इससे बहुत नेचुरल किस्म के बाल लगते हैं जब आप स्ट्रेट करते हैं. जो बिल्कुल तीखे हों वो अच्छे नहीं लगते हैं, अनलेस आपके बाल बहुत बहुत ज़्यादा हेल्दी हों तो आप वैसे कर सकते हैं. इसी किस्म से मैं अपने बालों को स्ट्रेट करना जारी रखूँगी. बहुत बार ये अपने बालों को ये तरीका मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ. मुझे अपने बाल वेवी अच्छे लगते हैं तो मैं शुरुआत में ऐसे ही आती हूँ, पर यहाँ पर आके थोड़ा सा टर्न कर लेती हूँ, लाइक बिल्कुल एंड पे, कि कुछ इस तरह का एंड बन जाए वेवी सा. मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं. सो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं आप, पर आज हम लोग स्ट्रेट ही करेंगे. अब देखिए कि ये तरीके को फॉलो करने से हमारे बालों में कितनी शाइन है. अगर मैं सीधा ही अपने गीले बालों को स्ट्रेट करना शुरू कर दूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग है आपके बालों के लिए और अच्छी फिनिश कभी भी नहीं आएगी. सो ऐसे ही हम लोग करते जाएंगे और अपने पूरे बालों को फिनिश कर लेंगे. यहाँ आकर बारी आती है जहाँ पे भी आपको पार्टीशन करना अच्छा लगता है उसी हिसाब से स्ट्रेट करें. मैं थोड़ा सा मिडल से हट के पार्टीशन करती हूँ तो उसी तरफ मैं इस वाले इस तरफ स्ट्रेट करूँगी, अदरवन अदर तरफ, ताकि बाद में कोई भी दिक्कत नहीं हो. सो जब आपके बाल आपको लग रहा है कि नई बात बन रही है तो पार्टीशन कर लें. सो जैसे भी आपको स्टाइल करना है वैसे आपने पार्टीशन कर लिया. अब आपको लगता है कि जो भी एरिया रह गया वहाँ पर एक बार फिर से कर लें, क्योंकि इसके बाद हम नहीं करने वाले हैं. लाइक यहाँ पे थोड़े बाल हैं जो नहीं हुए हैं. ओके दोस्तों, तो हमारा स्ट्रेटनिंग रूटीन हो गया है पूरा. अगर आपके तरीका थोड़ा डिफरेंट है तो प्लीज मेरे साथ जरूर कमेंट बार में शेयर करें, शायद मैं ट्राई करूं. और मे भी अगर आपके पास कोई ब्यूटीफुल सा प्रोडक्ट है
तो वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं जरूर से देखूंगी कि मुझे भी वो शायद हेल्प करे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा। अगर आपने पसंद किया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक दे, 2000 लाइक चाहिए मुझे दोस्तों, प्लीज। उसी से पता चल रहा है कि आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है या नहीं। कमेंट बार में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप मेरे से बालों से रिलेटेड और कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को भी क्लिक कर दे ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वी गाइज कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग। I love you, I love you, I love you, I love you, I love you.